500 की साइड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों फेस रेड येलो ब्लू, ये देखिए तीनों फेस हमारे पंच हो गए हैं। अभी हमारी जो है 185 की साइड, ये हम क्लिंपिंग करेंगे इन कनेक्टर के अंदर डालने के बाद में, ठीक है जी। 185 की साइड और ये हमारी 500 mm की साइड। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और देखते रहिए चैनल लाइव विद काशिफ परदेसी को। तो माशाल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तीनों फेस 185 के कनेक्टर, अपना जो कनेक्टर है कॉपर कनेक्टर, वो ज्वाइंट कनेक्टर के अंडर तीनों हमने डाल दिए हैं इस तरीके से, ठीक है जी। तो रेड येलो और ब्लू, पहले हम फर्स्ट ये पंच करेंगे, फिर सेकंड ये पंच करेंगे, और थर्ड हम फिर ये वाला फेस पंच करेंगे, और इंशाल्लाह देन आफ्टर पंच फिनिश क्लीनिंग, और उसके बाद में क्लीनिंग के बाद हम प्री बोर्ड जो बॉडी है हमारी, हम उसको पुश करेंगे, अप्लाई करेंगे 500 की तरफ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपने ये जो इलेक्ट्रिक पंच है, ये आपने 4 से 5 करने हैं। आप अगर आप 4 भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो 500 की साइड पे अगर आपके पास बड़ी डाई है जिस तरह ये है, तो ये आपके 3 रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ। और ये वाले जो छोटे हैं जो कि 185 वाले हैं, ये मैं आपको इनका साइज़ दिखाता हूँ, ये आपने कितने मार रहे हैं। हाँ जी, तो ये 1 2 3, तो आप लोग इसको 5 जो है ना, पंच भी जो हाइड्रोलिक पंच है, आप 5 अदद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने कनेक्टर के ऊपर, ठीक है जी। इस तरीके से ये मैंने 3 की हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट को बताया कि आप 3 कर लो। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर फील्ड में कर रहे हो, अगर आपके पास ये वाला पंच है इलेक्ट्रिक वाला, और उसका डाई का साइज़ ये है, ये डाई का साइज़ देखें, अगर बड़ा पंच है तो उसका डाई का साइज़ ये होगा, ये आप अकॉर्डिंग टू लॉ 3 करने हैं, जो कि मैंने इससे पीछे आपको मार्किंग भी दिखाई है, लेकिन ये आपने 5 करने हैं। अगर आपके पास ये डाई है तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पॉइंट से 1, फिर सेंटर छोड़ा, फिर 2, फिर सेंटर छोड़ा, फिर 3, फिर सेंटर छोड़ा, और फिर लास्ट ये पॉइंट, लास्ट ये पॉइंट आपको इस तरीके से करना है, ये देखिए। तो आपके तीनों फेस अभी पंच हो गए हैं, तीनों फेस अभी आपके तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पंच होने के बाद में अभी आप, तो अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह प्री मोड बॉडी जो है ना, वो अप्लाई की जा रही है पंच करने के बाद में। तो इस तरीके से एक बॉडी को हमने करेक्ट एरिया पे लाके उसको छोड़ दिया 2.5 सेंटी। जब आपकी ये बॉडी यहाँ से 2.5 सेंटी, ये आपका 2.5 सेंटी, तो यहाँ तक आएंगे 2.5 सेंटी, आपने सेमी कनेक्टर के आगे करके आपने अपनी बॉडी का एंड करना है। इसी तरीके से ये 2.5 सेंटी और ये 2.5 सेंटी, जब 1 साइड पे वो जो प्री मोड बॉडी है वो 2.5 सेंटी स्ट्रेस कोन के ऊपर चढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पे 2.5 सेंटी हो जाएगा। आपने एक तरफ मार्किंग कर देनी है 2.5 सेंटी 2.5 सेंटी, जब आपकी बॉडी पूरी सेमी कनेक्टर के ऊपर आ गई, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आपकी 2.5 सेंटी हो जाएगी। इसी तरीके से दो बॉडी अप्लाई कर ली हैं, अभी तीसरी बॉडी को शुएब जो है पुश करते हुए। हाँ जी शुएब, ये देखिए माशाल्लाह, अभी शुएब इसको पुश करते हुए, तो अभी हम जब ये पूरी अप्लाई होती है फिर आपको दिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट तीनों बॉडी हैं माशाल्लाह इस तरीके से डन हो गई हैं, ठीक है। अभी ये पीवीसी टेप जो है ना, ये रिमूव की जाएगी, रेड येलो ब्लू, ये तीनों टेपें अभी रिमूव की जाएंगी। प्री मोल्ड बॉडी जो है ना, वो माशाल्लाह अप्लाई हो गई है इस तरीके से, और अभी यहाँ पे ये जो इसके नोज़ है, नोज़ ये जो प्री मोल्ड बॉडी की जो नोज़ है, उसमें 2 वायरें पूरी घुमा के यहाँ तक इस नोज़ में डाल के खींच के अप्लाई करके, ताकि ये राइट लेफ्ट नहीं घूमे, ठीक है। और साथ में इसको ग्राउंड भी देनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ से आपने 2 वायरें जो है ना ग्राउंडिंग की, यहाँ से खींच के आपने, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ये इस तरीके से आप लोगों ने
ये देखिए, ये नोज में वायर को अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। दो वायरों को आपने वन साइड एंड टू साइड दोनों की सेम साइड पे आपने इस तरीके से अपनी ग्राउंडिंग को अप्लाई करना है। और जब आपकी प्री मोड की दोनों नोज, दो वायरें, चार वायरें और छह वायरें, यानी दो दो चार दो छः, टू टू प्लस फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स ग्राउंडिंग, जब आपकी सिक्स साइड पे तीन बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएं, उसके बाद में फिर आपकी ये कॉपर मैश आएगी और स्टील स्प्रिंग रोल आएंगे जी। तो अभी ये देखिए, स्टील राउंड को कॉपर मैश के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है इस तरीके से। हाँ शेब, जल्दी जल्दी करें, शाबाश, वेरी गुड। इधर का वाला भी करो, तो इस तरीके से ये तीन अप्लाई हो गए, और इसी तरीके से यहाँ पे तीन अप्लाई हो गए। और ये जो हमारी ग्राउंडिंग है, ये आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। ग्राउंडिंग भी हमारी जो है ना, वो इसकी नोज़ के अंदर से निकाल के यहाँ पे लूप करके टाइट कर दी हुई है। इसी तरीके से बोथ साइड जो है ना, वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो है ना, वो इसकी जो मेन ग्राउंडिंग है, इसको जो है ना वो कनेक्टर लगा के तो आपस में कनेक्ट करेंगे, पंच करेंगे। उसके बाद में फिर इसके ऊपर जो है ना वो सेफ्टी मैश जो है ना वो आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जॉइंट से टर्मिनेशन से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। एज ए केबल जॉइंटर इंस्ट्रक्टर मैं इंशाल्लाह अपनी खिदमात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे पास जितना इलम है, मैं ये नहीं कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ये इलम एंड हो जाता है, या मुझे इतनी मालूमात के मेरे ऊपर एंड हो जाता है, लेकिन मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास जो इलम है, वो मैं आप लोगों से एज ए केबल जॉइंटर इंस्ट्रक्टर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो सीखिए और केबल जॉइंटर बनिए, और केबल जॉइंटर की जॉब आपको मिल सकती है, ज़रूर मिल सकती है। और जो काम आप सालों में सीखते हैं, वो आपको यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको महीने के अंदर आप मेरी वीडियोज़ देख के आप लोग उस पर सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और देखते रहिए चैनल लाइव विद काशिफ परदेसी। हाँ जी शुएब, क्या करना है अभी? अभी बात ये ऊंची, जरा अर्थिंग लगानी है इसके ऊपर। क्या लगाना है? अर्थिंग।